हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आयदाडी सर्विसेज पर। दोस्तों, अगर आपको एंट्रेंस पास करना है तो ये करना होगा और नहीं करना होगा तब जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। और साथ ही कुछ चीजें और बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो सके। सबसे पहली चीज कि आपको अगर पासवर्ड मतलब जो है आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है या आपका एडमिट कार्ड नहीं निकाल पा रहे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? ज्यादा कोई दिक्कत की जरूरत नहीं दोस्तों, सीधे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जहां से एडमिट कार्ड निकालते हैं। गूगल में के अंदर आप जो है इसको डाल, थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो में बने रहे, शिवली कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में काफी कुछ थोड़ा कवर करना है तो वो सब चीजें, तो आप उसी साथ टेस्ट की डेट देख लीजिए। ये टेस्ट की डेट यहाँ मौजूद है, जो है यहाँ पर मौजूद है और टेस्ट शेड्यूल भी है। और ये तो ठीक है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन आने के बाद यहाँ नीचे फॉरगेट दिख रहा है, तो फॉरगेट पे जैसे ही आप क्लिक करके, अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा 1142 के, वो यहाँ डाल के सबमिट करेंगे तो जो नंबर आपने रजिस्टर्ड किया होगा उसी पे ये जाएगा, ठीक है। ये चीज तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई है। अब चलते हैं जो है दूसरी बात की, अगर एडमिशन आपको लेना है या एडमिशन आप पास करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो दोस्तों, एडमिशन अगर पास करना है तो एडमिशन पास करने के लिए आपको पहले एडमिट कार्ड पे आपको ध्यान देना होगा। एडमिट कार्ड में दो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पहला इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपके लिए, दूसरा आपको ओमार से फिल करने है। तो पहला मैं यहाँ पर आपको जो है जॉब से रिलेटेड है क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसको समझा देता हूँ। इसको देखेंगे तो कुछ चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि आपको दो ब्लू और ब्लैक पेन लेकर जाना है और इसके अलावा कोई बॉल मतलब बॉल पॉइंट पेन चाहिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, कोई भी एक प्रूफ हो जिसपे आपका फोटो लगा होना चाहिए वो आप ले सकते हो। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या पैन कार्ड वगैरह जो भी चाहो, ठीक है। तो यहाँ कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू अटेंड द एग्जाम इफ दे फेल टू ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगर ये आप भूल जाते हो तो नहीं हो पाओगे, यानी आपको जो है जान नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो ये हो गया। दूसरा आपका टाइमिंग के बारे में कहा गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। फॉलोइंग आइटम नॉट वे, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट अलाउड, यानी आपको कैलकुलेटर, सेलफोन, हेडफोन और पीपर, ये सब चीज़ों को लेकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। यहाँ पे आउटसाइड एग्जाम देयर बैग इट्स ब्रिंग टू ऑल एग्जामिनेशन सीसी जॉइन द सर्विलेंस, यानी ये दिया गया। और एक चीज आप यहाँ गौर करिएगा, यहाँ पर जो मौजूद है 1/4 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी 1/4 चौथाई जो है आंसर अगर आपका गलत होता है तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। ये आपका सिग्नेचर है, फोटो जरूर ले लीजिएगा, यानी ये अब ओमार फिल करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं शो कर देता हूँ। आपको ओमार भरने का तरीका ये है, आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने एक मेथड निकाला है कि ओमार अगर आपको भरना हो तो कुछ इस तरीके से आपको भरना। ये मेथड रॉन्ग है, ये करेक्ट मेथड है। रॉन्ग बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं क्योंकि ऑप्टिकल कैरेक्टर जो आपकी डिवाइस होती है वो इसको रिकॉग्नाइज करती है, तो उसको भरने का जो तरीका है वो इस तरीके से आप मत करिएगा। भरने का सही तरीका ये है। इसके बाद बहुत से लोगों ने सवाल ये भी किया है मुझसे कि सर सवाल कैसे होंगे, तो मैं कुछ चीजें आपको यहां बता दूं कि आपको सवाल जो है आपके क्या नाम ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब 1/4 होंगे, यानी एक कोई क्वेश्चन होगा उसके चार ऑप्शन होंगे A B C D, यानी ये चार ऑप्शन होंगे। इन सवालों में से कोई एक आंसर आपका सही होगा, उसको ओमार पे आप जो है भरेंगे। तो यानी ये सारी चीजें यहां देनी है और इसको सही करना है। अगर इसमें ये चीजें गलत होती हैं तो आपका जो है एडमिशन कंसील हो जाएगा और आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपकी आसानी के साथ है। और फॉरगेट पे जाकर आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि आपको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैंने नंबर अपना ऑलरेडी दिया हुआ है, आप नंबर नोट करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको सारी चीजें इस पर बताई जाएंगी, तो आप नंबर नोट कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें मिलती हुई चली जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। बस फॉरगेट करिए और अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ किस तरीके का वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके फॉर्म पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मौजूद है 1/4241, इस तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यही रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है और वहाँ फॉरगेट पे जाके डाल देना। अब मैं आपको फॉरगेट पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें हो सके। रजिस्ट्रेशन नंबर आप फॉरगेट पे देख सकते हैं 1/4240 10878, ये मैंने डाल दिया। और डालेंगे जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो वो मेरे नंबर में जो रजिस्टर्ड नंबर होगा ये थोड़ी देर में मुझे ये मैसेज फ्लैश करेगा और आपका ये मैसेज आपके जो है उन नंबर पर जा चुका है। उस नंबर पे जो है चला जाएगा, कुछ देर में आपका जो है आ जाएगा ताकि आपको सारी चीज़ें। तो उम्मीद
करता हूँ दोस्तों, मेरी बात समझ में आ चुकी होगी ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। आपने जो नंबर रजिस्टर्ड होगा फॉर्म में उसी नंबर पे ये जाएगा, तो आप जो है नंबर देख चेक कर लीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी बात क्लियर कर सकूं। मैं तब तक के लिए घर पे सुरक्षित।